तो फ्रेंड जीएसटी में काफी डे बाय डे नोटिफिकेशन इशू हो रही है, और अगर आपको कोई प्रीवियस नोटिफिकेशन को रेफर करना है और उसको समझना है तो आप टैक्स टॉक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको रेफर कर सकते हो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं उसे मंथ वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट में बना देता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन जून 2020, अगर आपको कोई मई में देखनी है नोटिफिकेशन इशू हुई है तो आप देख सकते हो मई 2020, अप्रैल 2020। सिमिलरली आप प्रीवियस रेफर कर सकते हो मार्च 2020, फेब के लिए, जैन के लिए। इनकम टैक्स या जीएसटी में बहुत मैं सेम ही प्लेलिस्ट बनाता हूँ दिसंबर के लिए। जैसे अक्टूबर में काफी नोटिफिकेशन इशू हुई थी रिगार्डिंग आरसीएम की, अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो तो मैंने यहाँ पर विद एग्जांपल उसको समझा दिया था। और अगर मैं बात करता हूँ पीएफ के रिगार्डिंग, अगर आपको एडवांस पीएफ विड्रॉ करना है जो मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ, या जो पीएफ का रेट रिड्यूस हुआ है उसके इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है, या अगर आपको कोई प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का बेनिफिट लेना है, होम लोन के रिगार्डिंग सब्सिडी जो आपको मिल जाती है 2 लाख से वेरी करती है जो, उसके लिए आप रेफर कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को। इसमें मैंने आरबीआई का जो चेंज आया था रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट या ऑटो डेबिट ईएमआई, वो भी आप यहां पर रेफर कर सकते हो। सो गाइस, गैजेट ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स के लिए न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है 12 जून को इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इस नोटिफिकेशन में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स विल हेल्प यू इन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको अपनी कॉस्ट को इंडेक्स करना होता है, उसके लिए आप इसको यूज करोगे और अपनी कंप्यूटेशन करोगे। दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 एंड शैल अकॉर्डिंगली अप्लाई टू द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। 21-22 असेसमेंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 1/4/2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।